स्टूडेंट्स, सब क्यूरीज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है और हमने पढ़ा था कि सब क्यूरी इज ए क्यूरी रिटन इनसाइड एन अदर क्यूरी और रिटन इनसाइड ए सिलेक्ट स्टेटमेंट। हमने एक दफ़ा सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिख ली और उसके अंदर अगर हम दोबारा से कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो जो इनर स्टेटमेंट होगी वो सब क्यूरी कहलाएगी। ये कल हमने ब्रीफली इसको डिस्कस किया था और इसको हम नेस्टेड भी बोलते हैं, इसको हम सब सेलेक्ट भी बोलते हैं और हम इसको इनर सेलेक्ट भी बोलते हैं। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये इनर सब क्यूरी या इनर सेलेक्ट सॉल्व होता है और फिर जो इसका आंसर आता है उसके बेस पे आउटर सेलेक्ट या मेन जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट होती है और हम उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। दो तरह की क्यूरीज थी, एक सिंगल रो और एक मल्टीपल रो। सिंगल रो मीन जो हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगी और उसके बेस पे हम बाकी रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, और मल्टीपल रो ऐसी क्यूरी थी जिसमें हमारे पास मल्टीपल आंसर्स आएंगे और फिर हम उसके बेस पे सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं या कैसे हम लिखते हैं, आपके पास एग्जाम्पल लिखी है, राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेस द एम्प्लॉय हु अर्न द मिनिमम सैलरी इन कंपनी। द मिनिमम सैलरी इज अननोन क्वान्टिटी, इट रिक्वायर्स टू स्टेप। अब हमने ऐसे एम्प्लॉयज़ का डेटा लेके आना है जो मिनिमम सैलरी अर्न कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मिनिमम सैलरी कितनी है। तो इसका मतलब है पहले हमें ये पता करना है कि मिनिमम सैलरी कितनी है और उसके बाद हमने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को उसके साथ कंपेयर करना है और फिर हमने अपना डेटा लेके आना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो क्यूरी पहले सॉल्व होती है वो कौन सी होती है, इनर क्यूरी। इनर क्यूरी में या इनर सेलेक्ट में हमने वो स्टेटमेंट लिखनी है जो हमें मिनिमम सैलरी बताएगी। तो यहाँ पे मिनिमम सैलरी के लिए हमने पहले एक स्टेटमेंट की थी, सेलेक्ट मिनिमम सैलरी, मिनिमम का फंक्शन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये क्या करेगा कि एम्प्लॉय के टेबल में जो सबसे मिनिमम सैलरी है उसका आंसर हमें रिजल्ट कर देगा और फिर हम क्या करेंगे, फाइंड एम्प्लॉय। जब हमें मिनिमम सैलरी पता चल गई है तो अब हमने उन एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करना है जिनकी सैलरी मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ई नेम जॉब और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू, सैलरी किसके इक्वल हो, मिनिमम सैलरी की, और वो हमें कहाँ से पता चला है, इस सिलेक्ट स्टेटमेंट से। तो हम क्या करेंगे, सैलरी इक्वल्स टू मिनिमम सैलरी लिखने के बजाय हम इसके अंदर एक और क्यूरी लगा देंगे जो पूरे टेबल में से मिनिमम सैलरी को फाइंड करेगी और फिर उसके बाद उस रिजल्ट को कंपेयर करती जाएगी हर एम्प्लॉय की सैलरी के साथ। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी सिंगल रो सब क्यूरी की, इसको हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इसकी वर्किंग देखिए, उन्होंने बताई हुई है कि दो क्यूरीज होती हैं, एक मेन क्यूरी और एक हमारे पास क्या है, इनर क्यूरी। और हम क्या करते हैं, पहले मेन क्यूरी सॉल्व होती है, द इनर सेलेक्ट क्यूरी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट, देन मेन क्यूरी एग्जीक्यूट्स एंड यूजेस द वैल्यू ऑफ इनर क्यूरी। इसमें क्या हुआ था, सेलेक्ट ई नेम सैलरी डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल्स टू 800। अब ये 800 हमें पता नहीं था कि इसकी वैल्यू 800 है, इसकी जगह हमने क्या किया, एक और क्यूरी लगाई, उसने आंसर में हमें प्रोवाइड किया 800। तो वो जो 800 यहाँ पे आएगा उसको यूज़ करते हुए फिर चेक करेगा सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को, जो 800 के इक्वल होगी वो डिस्प्ले करवा देगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, अपनी डेटाबेस ओपन करते हैं, सैम्पल SQL सैम्पल। अब मैं यहाँ पे आपको दो बार इसको करके दिखाऊंगी कि पहले मैं आपको बताती हूँ, हमने क्यूरी डिज़ाइन व्यू में ओपन किया है, SQL व्यू इसका ओपन करते हैं। पहली जो हमारी सब क्यूरी थी, सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, हमने मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय सेलेक्ट कर ली है। मैं इसको रन करती हूँ, ये देखें आपके पास इस क्यूरी का आंसर क्या आया, 800, एक वैल्यू आ गई है विच इज 800, एक रिकॉर्ड आ गया। अब हम इस रिजल्ट पे ही ऊपर एक और क्यूरी लगा देंगे, सेलेक्ट ई एम्प्लॉय नंबर
ने सैलरी डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू दिस। अब मैंने क्या किया है कि एक और क्यूरी लगाई है, ये मेन क्यूरी है, और इसकी जो वेयर की कंडीशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ये जो हमारे पास इनर क्यूरी या सब क्यूरी है इसके रिजल्ट पे। जो इसका रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आया था इसका, 800, तो सैलरी को किसके साथ कंपेयर करता जाएगा, 800 से। पहला एम्प्लॉय लेगा उसकी सैलरी को कंपेयर करेगा, अगर वो 800 है तो शो करवा देगा, नहीं है तो इग्नोर कर देगा। फिर दूसरा एम्प्लॉय लेगा उसकी सैलरी को चेक करेगा, वो 800 है अगर इक्वल है तो डिस्प्ले करवा देगा, नहीं है तो वो उसको इग्नोर कर देगा। तो इसी तरह वन बाय वन सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी इस एक जो क्यूरी थी हमारे पास 800 जिसका रिजल्ट था उसके साथ कंपेयर करता जाएगा। मैं इसको रन करूँ, ओके, अच्छा इसको कैंसिल कर देते हैं। मैंने ईएम नंबर लिखा है, ये कोई कॉलम नहीं था तो इसलिए उसने इस पर एरर दे दी। ये देखिए एम्प्लॉय नंबर, नेम क्या है उसका, स्मिथ है, उसकी सैलरी 800 है और डिपार्टमेंट नंबर उसका 20 है। तो देखिए मिनिमम सैलरी कितनी थी, 800, तो उसने एक एम्प्लॉय की सैलरी बता दी है जो कि मिनिमम, जिसकी सैलरी इक्वल है 800 की। मैं अगर इसको दोबारा एसक्यूएल व्यू में ओपन करूं, मैं ये कह देती हूं कि उन एम्प्लॉयज की सैलरी शो, उन एम्प्लॉयज का डेटा शो करवा दो जिनकी सैलरी मिनिमम सैलरी से ग्रेटर है। मतलब अब एक एम्प्लॉय लेगा, इसका आंसर अभी भी वही है, मिनिमम सैलरी कितनी है 800, तो वो चेक करेगा उसकी सैलरी 800 से ज़्यादा है तो डिस्प्ले करवाएगा, नहीं है तो इग्नोर कर देगा। फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। मैं अब इसको रन करूँ तो ये देखें, अब उसने एम्प्लॉय नंबर्स, नेम्स और सैलरीज, और किसी की सैलरी 800 से कम नहीं है, क्योंकि हमारी सब क्यूरी का जो छोटी क्यूरी हमने इसके अंदर इनर क्यूरी लगाई थी उसका आंसर क्या था, 800, तो हमारी वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए थी। तो ये हमारे पास सिंगल रो सब क्यूरी है जिसमें इनर क्यूरी सिर्फ एक रिजल्ट प्रोवाइड करती है, और इसमें मोस्टली ये होता है कि हम जो हमने एग्रीगेट फंक्शन, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सम फंक्शन यूज किए होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, तो हम पहले वो फंक्शन लगा के एक वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर उसके साथ बाकी रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मल्टीपल रो क्यूरी। मल्टीपल रो क्यूरी मीन हमारे पास एक से ज़्यादा क्यूरीज आ रही होती हैं। अब एक से ज़्यादा क्यूरीज कैसे आएंगी, आपने पढ़ा था जब हम ग्रुप वाइज क्लॉज यूज़ करते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज आपको हमें बताएगा, हर डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी बताएगा, ठीक है। और फिर जब हम कंपेयर करेंगे उसको तो हर डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी डिफरेंट है, एक ही 800 है, 900 है, 500 है, 1000 है, तो वो हर डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी में अब एक आंसर नहीं आएगा, अब यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा आंसर्स आएंगे, और फिर उन आंसर्स के साथ कंपेयर करेगा। ये देखें मल्टीपल रो क्यूरी इज टाइप ऑफ सब क्यूरी दैट रिटर्न्स मोर देन वन रो। अब इसमें देखें राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेज द एम्प्लॉयर्स हु अर्न लोएस्ट सैलरी। यहाँ तक सेम है, हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ को शो करवाना है जिनकी सैलरी लोएस्ट है, तो पहली क्यूरी क्या होगी कि हमने लोएस्ट सैलरी, मिनिमम सैलरी फाइंड करनी है, फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी के साथ कंपेयर करना है। लेकिन आगे उन्होंने क्या कह दिया है, इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब कि हमने डिपार्टमेंट वाइज करना है, तो कितने जितने डिपार्टमेंट होंगे उतनी लोएस्ट सैलरी आ जाएंगी, हर डिपार्टमेंट की अलग होगी। तो सबसे पहले वो उसी तरह से हर डिपार्टमेंट की सैलरी कैलकुलेट करेगा। अगर इसको यहाँ से कट कर देती हूँ, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और ग्रुप बाय, अब मुझे ग्रुप बाय को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट नंबर, ओके लोएस्ट सैलरी लेके आओ लेकिन डिपार्टमेंट वाइज, एक डिपार्टमेंट को ग्रुप करके उसका दूसरे डिपार्टमेंट को ग्रुप करके। मैं इसको अगर रन करूँ तो ये देखिए आप तीन आपके पास सैलरीज आई हैं। मैं इसको यहाँ पे डिपार्टमेंट भी शो करवा देती हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर
एंड देयर मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। इसको आप रन करें तो ये देखें डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 और 30 उन तीनों की जो लोएस्ट सैलरीज थी उसने हमें दे दी हैं। तो ये जो सब क्यूरी थी इसने एक से ज़्यादा रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं। तो अब जब हम इसके ऊपर मेन क्यूरी लगाएंगे उसमें भी हमारे पास यही है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब देखिए यहाँ तक वेयर तक आपके पास वही चीज आ गई है, ठीक है। अब आपके पास इक्वल नहीं आ रहा वेयर सैलरी इन, इन ऑपरेटर आपने पढ़ा था कि वो क्या करेगा, जितने भी आंसर्स इसमें हैं उन सब के साथ कंपेयर करेगा, या आपके साथ कह सकते हैं ऑल ऑपरेटर की तरह। अब इसमें हमारे पास तीन रिजल्ट आए हैं, तो जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी इसके तीन रिजल्ट जो आए थे 800, 950 और 1300 उन तीनों में से किसी एक के साथ भी मैच हो जाएगा वो शो कर देगा, और जिसकी मैच नहीं होगी उनको शो नहीं करेगा। तो पहले इनर क्यूरी सॉल्व होगी, ये हमें तीन आंसर देगी। तो यहाँ पे तीन वैल्यूज इन के अंदर बेसिकली तीन वैल्यूज आ जाएंगी, पहले इन 800, 950, 1300, और फिर उसके बाद यहाँ से एक एम्प्लॉय लेगा उसकी सैलरी चेक करेगा 800 है या 950 है या 13, इन तीनों में से अगर कोई एक भी है तो उसे डिस्प्ले करवा देगा, अगर कोई भी नहीं है तो फिर उसको स्किप कर देगा। तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्या इशू आ रहा है, रिपीट हो गया था दोनों में, हमें एक रिजल्ट चाहिए था जिसके साथ वो कंपेयर करता। तो अब उसने हमें तीन रिजल्ट शो किए हैं कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में एक एम्प्लॉय है जिसकी मिनिमम सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर 13 में एक एम्प्लॉय है, 20 में एक एम्प्लॉय है जिसकी हमारे पास इतनी सैलरी है। तो हम इस तरह से हमारे पास मल्टीपल जब वैल्यूज हों तो हम उनके साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। होप कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, सिंगल रो क्यूरी, सब क्यूरी जो इनर क्यूरी एक रिजल्ट देती है और फिर उसके साथ बाकी कंपेयर होते हैं, और मल्टीपल में जो इनर क्यूरी है वो एक से ज़्यादा रिजल्ट देती है और फिर आउटर क्यूरी उस सारों के साथ कंपेयर होती है वन बाय वन, और इसमें उस सारी वैल्यूज को कंपेयर करता है और जो वैल्यू मैच हो जाती है उसका रिजल्ट हमें शो कर देता है। अब हमारे पास नेक्स्ट कुछ और ऑपरेटर्स हैं, एनी और ऑल ऑपरेटर। जैसे आपने इन ऑपरेटर अभी पढ़ा है जो क्या करता है कि डिफरेंट ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन पे कर लेता है, इसी तरह आपके पास एनी या ऑल की ऑप्शन भी होती है। जैसे आपके पास लिखा द एनी और ऑल ऑपरेटर यूज्ड फॉर सब क्यूरीज दैट रिटर्न मल्टीपल रोज, कि मल्टीपल रोज में जैसे आपने कहा साइन इन सॉरी सैलरी इन दीज, तो आप उसकी जगह एनी ऑपरेटर भी लगा सकते हैं या ऑल ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। एनी का मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो है हर वैल्यू के साथ उसे कंपेयर करता है, ग्रेटर देन एनी मीन किसी भी एक वैल्यू से बड़ी हो जाए, मीन्स मोर देन द मिनिमम कि जो उसकी छोटी वैल्यू है उससे बड़ी होनी चाहिए, इक्वल्स टू एनी इज इक्वलेंट टू इन, इन तीनों में से किसी एक के साथ मैच हो जाए, लेस देन एनी मीन लेस देन मैक्सिमम। इसको मैं अब आपको करके दिखा देती हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने लिखा था इन, इन का मतलब क्या था कि इन यहाँ पे जो आपके पास थ्री रिजल्ट आए थे अगर मैं लिखूँ तो 800, 950 और आपके पास क्या आया था 1300,
इसका मतलब क्या है कि जब सैलरी इन तीनों में से किसी एक के बराबर हो जाएगी तो उसे डिस्प्ले करवा दो। ये देखें, इसका भी वही आंसर दे रहा है और डायरेक्टली मैंने इसको उसी तरह से परफॉर्म कर लिया। लेकिन हम सब क्यूरी उस वक्त लगा रहे होते हैं जब हमें ये वैल्यूज डायरेक्टली पता नहीं होती, तो हम इसके अंदर एक सब क्यूरी लगा देते हैं, वो ये वैल्यूज हमें रिटर्न करती है। जो हमने सब क्यूरी लगाई थी उसने ये तीन वैल्यूज रिटर्न की थी और फिर उसने ये कंडीशन इन तीन वैल्यूज पे लगाई थी। तो आपके पास जो एनी और ऑल ऑपरेटर्स होते हैं वो आप सब क्यूरीज के साथ लगाते हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि जब आप कहते हैं ग्रेटर देन एनी, मतलब इन तीन वैल्यूज में से किसी एक से भी बड़ी, एनी का मतलब क्या, किसी एक से भी बड़ी हो जाए, मीन ग्रेटर देन मिनिमम, अगर 800 से बड़ी होगी तो वो डिस्प्ले हो जाएगी, 950 से बड़ी होगी तो वो 800 से भी बड़ी है, 1300 से बड़ी होगी तो वो, मीन इसमें मोस्टली आता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है 800, तो 800 से बड़ी सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी ग्रेटर देन मिनिमम। तो मैं इसको रन करती हूँ, ये देखें, ओके यहाँ पे क्या एरर आ रहा है हमारे पास, सिंटैक्स एरर, कोमा इन क्यूरी एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे हम अब सब क्यूरी लगा के देखते हैं, ये क्योंकि हमने कहा था कि एनी और ऑल ऑपरेटर हम सब क्यूरीज में अप्लाई कर रहे होते हैं। सेलेक्ट मिनिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नंबर। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखें उसने क्या किया है, वो सारी सैलरीज रिटर्न कर दी हैं जो मिनिमम सैलरी से बड़ी थी। उसका मतलब ये था कि ये जो तीन वैल्यूज हैं इनमें से किसी एक से भी बड़ी हो जाती है तो वो डिस्प्ले करवा दो। इसी तरह हमारे पास क्या है, लेस देन एनी, तो इसमें तीन वैल्यूज थी तो उन तीनों में से किसी एक से भी छोटी हो जाती है, मीन 1300 मैक्सिमम है, उससे छोटी सारी वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि वो बाकी सबसे छोटी होंगी, तो लेस देन मैक्सिमम। अब देखें 1300 से छोटी सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो गई है। इसी तरह इक्वल्स टू एनी मीन के आपके पास ये जो तीन वैल्यूज आई हैं इनमें से किसी एक के भी इक्वल हो जाए, और ये सेम लाइक क्या है, इन ऑपरेटर, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू भी है तो उसे रिजल्ट कर देते हैं। जो इन ऑपरेटर का रिजल्ट आया था बिल्कुल वही हमारे पास शो हो गया है। तो एनी ऑपरेटर मीन कि आपके पास जो मल्टीपल रोज आ रही होती हैं उनमें से कोई एक भी कंडीशन को फुलफिल कर दे, लाइक और जिसमें आपके पास तीन चार पाँच कंडीशन है उसमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाती है तो उसको वो ट्रू कर देगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो है ऑल ऑपरेटर। ऑल ऑपरेटर क्या करेगा, सारी वैल्यूज को वो चेक करेगा, एवरी वैल्यू रिटर्न बाय सब क्यूरी। तो राइट एक क्यूरी, जैसे आपके पास यहाँ पे ऑल ऑपरेटर नेक्स्ट है जो कि हमारे पास लाइक एंड आ जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं सब क्यूरी की हर वैल्यू के साथ उसे चेक करते हैं और हर वैल्यू का ट्रू होना चाहिए। लाइक जैसे राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेस एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 30, कि हमने ऐसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो करना है, राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेस एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन एवरी एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 30, कि डिपार्टमेंट 30 के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी से ज़्यादा कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट है। हमने ये नहीं देखा बाकी एम्प्लॉयज जो 10 और 20 के एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी हमने प्रिंट करवानी है जिनकी सैलरी डिपार्टमेंट नंबर 30 के हर एम्प्लॉय से ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये डिपार्टमेंट 30 है, तो इसमें वैल्यू क्या आ रही है, 1250, 28 और 50, और एक ये 30 है जिसकी वैल्यू 1600 है, एक ये 30 है जिसकी 1500। तो हमने ऐसे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड शो करवाना है जिसकी सैलरी 1500 से भी ग्रेटर हो, 2850 से भी ग्रेटर हो, 1250 से भी ग्रेटर हो और 1600 से भी ग्रेटर हो। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2850, तो मतलब इन सारी वैल्यू से बड़ी जिसकी वैल्यू होगी, जिसकी सैलरी होगी वो डिस्प्ले करवाना है। मेन इन सारी वैल्यूज
का ट्रू होना, कंडीशंस का ट्रू होना कि 1600 से भी ग्रेटर है, 2800 से भी ग्रेटर है, 1500 से भी ग्रेटर है, 1250 से भी ग्रेटर है, उनकी शो करवानी है, उनके अलावा और किसी की नहीं करवानी। ऐसा नहीं चलेगा कि किसी एक से भी ग्रेटर हो जाए, बल्कि इन सारों से ग्रेटर, एनी का मतलब था किसी एक से भी बड़ी हो जाए, ऑल का मतलब है कि सारों से बड़ी होनी चाहिए। तो हमारे पास उस केस में ऑल ऑपरेटर जो है वो यूज होता है। तो हम इसमें सिंपली वही लिखते हैं ग्रेटर देन, ऑल का वर्ड आ जाता है, बाकी आपका काम वही है। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन ऑल, कि इस सब क्यूरी की जितनी वैल्यूज आएंगी उन सारी वैल्यूज से बड़ी होनी चाहिए सैलरी, तब आपने डिस्प्ले करवानी। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 30, कि जो डिपार्टमेंट नंबर 30 है उसकी जितनी भी डिस्टिंक्ट सैलरीज हैं, मीन जो यूनिक सैलरीज हैं, वो सारी ले आओ, जैसे 1600, 1250, 2800 और 1500 की। तो ये चार रिजल्ट आएंगे और जिसकी सैलरी इन चारों से बड़ी होगी, ऑल को सेटिस्फाई करेगी, वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपके पास ये वो रिजल्ट आ रहे हैं जिनकी सैलरीज 28, 15, 16 उनसे बड़ी है। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज आप कब यूज करते हैं, जब वेयर क्लॉज जो है वो आपकी क्या करती है, सिंगल रो को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यहाँ पे वो एक रो के साथ उसे कंपेयर करेगी, फिर दूसरी के साथ। जब आपने ग्रुप में काम करना हो, आपने सब क्यूरी के अंदर ग्रुप लगाने हो, ये देखें सब क्यूरी के अंदर आपके पास अब क्या आ गया है, एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, और इसमें भी आपने इसे ग्रुप कर दिया है कि डिपार्टमेंट नंबर जिसका 30 है उसकी एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, फ्रॉम एम्प्लॉयर वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 30 एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, कि आपने डिपार्टमेंट वाइज उसको ग्रुप कर दिया। अब इसमें आपने ग्रुपिंग कर दी है तो आपके पास अब क्या हो गया है, आप एक रो की बात नहीं कर रहे, मल्टीपल रोज को कंबाइन कर रहे हैं, उनको रेफर कर रहे हैं, उनको ग्रुप कर रहे हैं, तो फिर आप वेयर के बजाय हैविंग क्लॉज लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट ए क्यूरी दैट इज प्लेस द डिपार्टमेंट विच हैव एन एवरेज सैलरी ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट 30। हमने उन सारे डिपार्टमेंट्स की एवरेज सैलरी शो करवानी है जिनकी एवरेज सैलरी जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 30 की एवरेज सैलरी से ग्रेटर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर भी अब एक फंक्शन लगा दिया कि एवरेज सैलरी फाइंड करो, कंडीशन भी आ गई इसके साथ ही, किसकी एवरेज सैलरी फाइंड करो, पहले आपने जितनी क्यूरीज पढ़ी थी उनमें जो इनर क्यूरी है उसके अंदर कंडीशन नहीं थी, अब इसमें कंडीशन आ गई है फ्रॉम वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 30, के डिपार्टमेंट नंबर 30 की एवरेज सैलरी फाइंड करो और उनको डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करो, कि जो डिपार्टमेंट नंबर 30, 10, 40 सारे आएंगे उनमें से सिर्फ 30 की सैलरी को एवरेज करना है और फिर उसके बाद उसको चेक कंपेयर करना है। फिर 10 की सैलरी को 30 से कंपेयर करेगा, 20 की सैलरी को 30 से कंपेयर करेगा, 40 की सैलरी को करेगा, तो जो उससे बड़ी होंगी उनको डिस्प्ले करवा देगा, जो उससे बड़ी नहीं होंगी उनको डिस्प्ले नहीं करवाएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया 10 और 20 का। इसी तरह आपको एक और एग्जांपल दी हुई है, ये आप लोग खुद इसको स्टडी करेंगे, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसका टॉपिक शुरू करेंगे विच इज कोरिलेटेड सब क्यूरीज। अभी हमने सब क्यूरीज पढ़ी हैं, सब क्यूरीज के दो ऑपरेटर्स पढ़े हैं, एनी और ऑल, और उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि वेयर एक रो को रेफर करना होता है, अगर हमने ग्रुप ऑफ रोज को रेफर करना है, ग्रुप करके आंसर हमारे पास अगर आएगा सब क्यूरी का, तो हम हैविंग क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम की जगह, फ्रॉम एम्प्लॉय हैविंग, उन एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी इसके से ग्रेटर है, तो हम हैविंग क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। अब गाइडलाइंस कुछ दी हुई हैं, इनको हम जल्दी से, बल्कि ये आप लोग रीड करेंगे कल, मैं आप से लेक्चर से पहले पढ़ूंगी, क्योंकि ये चीज़ें हमने साथ साथ पढ़ी हैं, इनको इम्प्लीमेंट किया है कि कंडीशन कैसे लिखनी है, क्यूरी किधर लिखनी है। तो ये गाइडलाइंस जो लिखी हुई हैं, गाइडलाइंस फॉर सब क्यूरीज, ये आप लोगों ने खुद से रीड आउट करनी है, ये आपके पास 6-7 है, 6 या 7 है, इनको आपने, मैंने कल आपसे इनको ऑलरली आपके मैसेजेस में ही पूछना है, सो इनको स्टडी आपने करना है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।